जय हिंद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को बताएंगे जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में। देखिए कैमरा फोन्स की बात कर रहे हैं तो कैमरा तो बढ़िया होना ही चाहिए, इसके साथ OIS का सपोर्ट होना चाहिए, 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए जो कि इस बजट के फोन में ये चीज ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। बुरा लगता है भाई, भाई दिल से बुरा तो लगता है बट अपने लिस्ट के कुछ फोन में ये चीज आपको मिल जाएगा। चीटिंग करता है तू? नहीं मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इन सभी फोन्स में। जैसे पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा और गाइस 8GB तक का रैम भी होगा। सपासी की कोई जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा देखें। हम आपको नहीं बोलेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। हाँ ये कर लो पहले। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है IQOO की तरफ से IQOO G6 Lite 5G। तो वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे अच्छा अच्छा फोन आता जाएगा क्योंकि मैंने सभी फोन्स को रैंक कर दिया है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ जहाँ निकलना है निकल जाइएगा, पहले देख लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन को। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का कैमरा से ही। हाँ ये कर लो पहले। कैमरा फोन्स की बात कर रहे हैं तो कैमरा से ही ना स्टार्ट करेंगे। गाइस इस फोन के बैक साइड जो है ना, दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। खास करके इस फोन का प्राइमरी कैमरा बेटर मिलेगा बट ध्यान रहे कि डे लाइट में इस फोन का कैमरा सही परफॉर्म करेगा बट लो लाइट में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। और हाँ, इस बजट के फोन के कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ये हमारा गलतफहमी है। गजब बेइज्जती। बेइज्जती नहीं है, ये सच्चाई है। खैर कैमरा इस बजट के हिसाब से सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो गाइस इसमें 6.58 इंच का फुल HD प्लस पंच होल IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। डिस्प्ले डिसेंट टाइप का मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। ऐसे प्रोसेसर को ना आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जैसा समझ सकते 14-15 हजार के फोन में ये प्रोसेसर मिल रहा है तो खराब नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है। इस बजट के हिसाब से ये प्रोसेसर सही है। वही बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप तो मिलेगा ही बट दिक्कत यहाँ पे होगा कि चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है। रोने की बात नहीं है, इस चीज से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.3mm का थिकनेस एंड 194 ग्राम इस फोन का वेट है। इस फोन का डिजाइन जो है ना गाइस काफी दिखने में खूबसूरत लगता है एंड वेट और थिकनेस को एवरेज टाइप का कह सकते हैं। नो डाउट डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पर अमेजोन पर 12,999 रुपया यानी कि 13,000 रुपया है। अगर आपको अभी के टाइम पे 12-13 हजार के बजट में एक अच्छा बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस लिस्ट के 4th नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 12 5G। गाइस जब से सेल खत्म हुआ है ना, इस बजट में जो भी फोन पहले मिल रहा था सभी फोन का प्राइस अभी के टाइम पे बढ़ गया है। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, करने बोलने की जरूरत हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मजबूरन मैंने कुछ स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, ऐसा नहीं है कि फोन सही नहीं है, फोन बढ़िया मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि इससे भी बेहतर पहले फोन था इस बजट में जो कि अभी के टाइम पे नहीं है। बुरा लगता है भाई, सही में दिल से बुरा तो लगता है। खैर ये सब बात को साइड में रखते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं। अब तो पहले स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिस्प्ले से। तो गाइस इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। डिस्प्ले इस बजट के हिसाब से काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है जिससे आपको कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग वगैरह में काफी मजा आएगा एंड जो आप फोटोज वीडियोज क्लिक करेंगे वो भी काफी सुंदर दिखेगा एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण से। तो डिस्प्ले बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। अब गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है और सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम
मिनिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड डे लाइट में काफी तगड़ा परफॉर्म करता है इस फोन का कैमरा, बट लो लाइट में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी बात प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये एक 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। पिछले वाले फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ था वही प्रोसेसर इसमें भी है। इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। ये चार्जर आपको मोबाइल के साथ मिल जाएगा जो कि ये चीज अच्छी बात है। 1 घंटा 1.25 घंटा में आपकी बैटरी को फुल चार्ज करके दे देगा ये चार्जर। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। 8mm का थिकनेस एंड 188g इस फोन का वेट है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया लगता है, फिर भी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। IP53 का रेटिंग मिलेगा। 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी दिया गया है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और गाइस यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है। तो 15,000 के बजट में ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट के 3rd नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको X5 5G। हमें पता है कि मोटो के फोन में मदरबोर्ड वाला इशू चल रहा था, बट पोको के सभी फोन में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कुछ कुछ फोन में आ रहा था ये चीज। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा डिस्प्ले परफॉर्मेंस वगैरह एकदम तगड़ा लेवल का हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। वैसे ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.98mm का थिकनेस 188g इस फोन का वेट है। काफी पतला सा फोन है एंड वेट एवरेज टाइप का है और इस फोन का डिजाइन वगैरह दिखने में बढ़िया लगता है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम में एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। IP53 का रेटिंग मिलेगा एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें स्टूडियो स्पीकर्स भी मिलेगा। खैर आइए बात करते हैं इस फोन का कुछ मैन फीचर्स का। अब गाइस इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1200 nits का पिक ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। इवन डिस्प्ले भी इस फोन का काफी लाजवाब का है जिससे आपको कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग वगैरह में काफी मजा आएगा। नो डाउट डिस्प्ले इस फोन का काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 48MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 13MP का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसमें 4K रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट कैमरा इस बजट के हिसाब से सही है, बढ़िया है इस फोन का कैमरा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। 15,000 के फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो इस बजट के हिसाब से ये चीज काफी बढ़िया है, क्योंकि ये प्रोसेसर 18,000-20,000 वाले फोन में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मिल रहा है तो ये चीज बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को। फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा ले सकता है और 5000mAh का बैटरी है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 6128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,000 रुपया है और टॉप वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपया है। 15,000 के बजट में ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस लिस्ट के 2nd नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G54 5G। अगर आपको 15,000 के अंडर में ही एक अच्छा बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और गाइस सिर्फ कैमरा ही नहीं, इसके अलावा परफॉर्मेंस डिस्प्ले बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का मिलेगा। इस बजट का ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का कैमरा से ही। गाइस इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा नहीं मिलेगा, 2 ही कैमरा है। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि
8 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा जो है ना वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसमें 4K रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा बट कैमरा इस बजट के हिसाब से काफी लाजवाब का मिलेगा, खास करके प्राइमरी कैमरा एंड सेल्फी कैमरा इस फोन का बेटर है। नो डाउट कैमरा इस फोन का सही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 560 निट्स का ब्राइटनेस भी है। इस बजट के फोन में अगर LCD डिस्प्ले मिल रहा है तो डिस्प्ले को ज्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज टाइप का समझ सकते हैं, बट हाँ स्मूथनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड ब्राइटनेस ऐसा है कि इससे काम चल सकता है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है, नो डाउट प्रोसेसर बढ़िया मिल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। गाइस यहां पे 6000mAh का बैटरी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, बट ध्यान में आपको ये चीज भी रखना है कि चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.89mm का थिकनेस एंड 192g इस फोन का वेट है, वेट और थिकनेस को एवरेज टाइप का कह सकते हैं एंड डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है, तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है और ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर और इसमें 1 ईयर का ही मेजर अपडेट मिलेगा यानी कि एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा इसमें। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो गाइस ये फोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14000 रुपया है। दूसरा वेरिएंट आता है 12256 जो कि इस फोन का टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15999 रुपया है यानी कि 16000 रुपया है। गाइस 15-16 हजार के बजट के हिसाब से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आपको क्लीन UI के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इसके जगह पे आप चाहे तो सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को भी ले सकते हैं जो कि दोनों सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। खैर अगर आपको अभी के टाइम पे 15-16 हजार के बजट में एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं और इस बजट के हिसाब से फीचर्स वगैरह भी काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा इस फोन में। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का कैमरा से ही। गाइस इस फोन के बैक साइड जो है ना 3 कैमरा मिलेगा यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छी बात यह है कि आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 30fps पर। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर सकते हैं। बट हां दोस्तों आपको क्लियरली बता दें कि इस फोन का कैमरा जो है ना लो लाइट में आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, डे लाइट में इस फोन का कैमरा काफी तगड़ा परफॉर्म करेगा, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर बता दिया। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा, इवन डिस्प्ले भी इस फोन का काफी लाजवाब का है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डिस्प्ले जो है ना वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, यही चीज दिखने में थोड़ा पुरना लगता है, बाकी बट डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बेटर मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है Exynos 1280 वाला। गाइस ये एक 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 500,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है, आई मीन 16000 के बजट के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल मिल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। 6000mAh का
बैटरी मिल रहा है आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, बट थोड़ा मोरा टाइम ले सकता है चार्जिंग में। बट मोबाइल के साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 208 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.8mm का थिकनेस है, तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है, हाइब्रिड स्लॉट भी मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और गाइस यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,500 रुपया है। और हाँ ध्यान रहे कि दोनों फोन का प्राइस सेम है, अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो थोड़ा मोरा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, और इस फोन को अपने लिस्ट में रखने का यही मतलब था। तो इस वीडियो में मैंने 15,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को बता दिया है जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे। अब ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है, आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।